नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी अशोक मौर्य के साथ हम मौजूद हैं इस समय रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। हमारे साथ यहां पर नव नियुक्त कुलपति मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, ये विश्वविद्यालय के 30वें कुलपति हैं। मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ ज़्यादा बेहतर है, आपसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, क्या इसके पहले आप किस फील्ड में थे, कहाँ आप पढ़ाया करते थे, ये सारी बातें जानने के लिए मैं सीधे आपसे बात करूँगा। सर, रीवा में आपकी, रीवा की धरती में सफ़ेद शेरों की धरती कही जाती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान में आपका आगमन हुआ है, इसके पहले आप कहाँ थे और किस तरीके से आप काम कर रहे थे? मैं नरसिंहपुर जिले में, मेरा जन्म हुआ, हवेली का रहने वाला हूँ और सागर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। इंदौर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर वापस सागर विश्वविद्यालय से ही मैंने पीएचडी की है और जबलपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी का अध्ययन किया है। अध्ययन के उपरांत 1984 से मैं अध्यापन कार्य में हूँ और लगातार वर्तमान में करेली महाविद्यालय में और यहाँ आने के पूर्व प्राचार्य के रूप में कार्य था। मैं मूलतः वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, कॉमर्स से हूँ और वहाँ के बाद महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा रीवा विश्वविद्यालय में मुझे कार्य करने का आदेश मिला है। 26 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, कॉमर्स पढ़ा रहा था, अब मैं विश्वविद्यालय को संभालने आया हूँ। एक बड़ा सवाल, रीवा विश्वविद्यालय में तमाम तरीके की यहाँ पर समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। आपने जैसे यहाँ पर, आप जब से रीवा आए हैं और विश्वविद्यालय आपने संभाला, तो क्या आपको समस्याएं लगी और क्या अच्छी बातें लगी? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान यदि निश्चल और निर्मल मन से खोजा जाए तो नहीं हो। अभी मेरे समक्ष ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। पूर्व में जरूर हमारे जो संविदा शिक्षक थे उनके वेतन भुगतान की कोई कठिनाइयाँ थी, तो तत्कालीन प्रशासन ने उसका निदान निकाला है। कुछ और होगा तो उसका भी निदान निकलेगा। एक जैसे आप आ गए हैं और निकट भविष्य में नैक का मूल्यांकन, नैक के मूल्यांकन की फिलहाल क्या तैयारी चल रही है? नैक के मूल्यांकन की तैयारियाँ विश्वविद्यालय में अभी प्रारंभ हुई है, अभी बहुत समय नहीं हुआ है। नैक का मूल्यांकन हर 5 साल में होता है और जून 2020 के बाद शायद, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, फिर से मूल्यांकन होना है। जैसा समय आएगा उस आधार पर तैयारी होगी। मेरा भी अपना अनुभव है, मैंने करेली महाविद्यालय का भी नैक का मूल्यांकन कराया है, तो विश्वविद्यालय कैडर में भी हमारी टीम अच्छी है, उन सबके साथ सहयोग करके अधिकारियों को अपेक्षा करते हैं कि मेरे आने से शिक्षा जगत में रीवा विश्वविद्यालय का गौरव बढ़े। महिम राज्यपाल महोदया के विश्वास पर मैं खरा उतरूं, इस माटी के प्रति शिक्षा की जो मेरी लालसा है, कल्पना है, उस परिकल्पना को मैं साकार कर सकूँ, ये अपेक्षा नहीं है। आपने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, बहुत कम समय हुए हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता है कि हमारे विश्वविद्यालय प्रबंधन में काम करने वाले जो शिक्षा विभाग के जुड़े अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अपने कार्य का उन्नयन हो। आज जो IT सेक्टर का मामला इतना तेज गति से बढ़ रहा है, विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन बढ़ रहे हैं, उन संसाधनों का उपयोग हमारे विश्वविद्यालय में भी मध्य प्रदेश कैडर से ही नहीं तो देश के कैडर से हो सके, ये मेरी पहली प्राथमिकता और परिकल्पना है। जैसा कि आजकल माहौल है IT सेक्टर, कॉमर्स से मैं विद्यार्थी रहा हूँ, कॉमर्स का मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का नाम देश के गिने चुने महाविद्यालयों में से हो, और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं ये चाहूँगा कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँ, एक ऐसे उप मुकाम पर मैं विश्वविद्यालय को ले जाऊँ जहाँ पर, वहाँ पर देखने पर एक अच्छा लगे। ये थे हमारे साथ नवनियुक्त 30वें विश्वविद्यालय के कुलपति
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।